नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। काम करो। और ये सावन की ढेर सारी शुभकामना आप सबको। आप बाबा धाम जाइए, बड़ा वो जगह नहीं, वो एक जन्नत है। और वो एक शहर नहीं, वो बाबा का आसियाना है, वो बाबा का घर है। तो बस मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप जाइए, दर्शन करिए और बड़ा खुशी मिलती है। मैं भी जब मुझे टाइम, मैं भी आने वाला हूँ बाबा धाम, तो आप भी आइए और ढेर सारा प्यार के साथ। और बहुत सारे गाने मेरे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे भी रिलीज हुआ है, जी म्यूजिक पे हुआ है, स्पीड रिकॉर्ड पे हुआ है, आपको लोटस पे हुआ है, बीनस पे हुआ है, आदि शक्ति पे हुआ है, 26 पे हुआ है। तो बहुत सारे चैनल पे मेरा गाना रिलीज हुआ है। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे कभी मेरा गाना छूटा है कि कैली फरमाई से राजा साली तहर गुड़िया तू चुड़िया ले ले आई हा, हमारा ला सेनुरपुड़िया तू चुड़िया ले ले आई हा। तो बहुत खतरनाक गाना है चुड़िया ले ले आई हा, जो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे है। तो आप सब्सक्राइब करते हैं, आप उसको देखते हैं तो दो पैसा आता है मुझे, और उसी दो पैसे से मैं आप सबका मदद कर पाता हूँ। तो बस खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से लेकर, जी से लेकर, बीनस से लेकर, लोटस से लेकर, आदि शक्ति 26 जितने भी हैं, जितने मेरे गाना रिलीज होते हैं, आप लोग प्यार दीजिए, उसको सब्सक्राइब करिए ताकि दो पैसे मैं कमाऊं, ताकि आप सबके बीच में मैं कुछ दे सकूं। और कुछ पैसा मेरे पास फंड जमा होता है तो वही आप सबके बीच में और आपकी खुशी के लिए दान करता हूं। और वो दान नहीं है, वो आपका हक है जो आपको मैं दे देता हूं। और कोशिश रहती है कि इस धरती पे कोई गरीब ना रहे, और जो है उनके लिए खेसारी है। तो आप अपील ज़रूर करिएगा, आपको कोई कष्ट है, ये बाढ़ आया है। और मैं सारे स्टारों से लेकर और सारे उद्योगपति से कहता हूं कि इस दुख की घड़ी में आप सबको आगे आना पड़ेगा। और मैं अभी चल रहा हूं बिहार वही काम करने, तो आप भी चलिए और उनके दुख में थोड़ा बहुत शामिल हो जाइए। थैंक यू। और इस चैनल, जितने भी चैनल हैं, सबको मेरा प्रणाम और बस आशीर्वाद दीजिए। और जितने भी चैनल हैं सबको सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। आप लोग जितने लोग देखते हैं, ठोकना बोलते हैं ना, सब्सक्राइब ठोक देने का, बेल, वो बेल का, बेल का ही नहीं, बेल, बेल का यू, बेल आइकॉन होता है, बेल आइकॉन को रेड वाला को ना दबाना, हाँ, रेड आई, रेड वाला ललका जो होता है ना, उसको दबा देने का और फिर उसके बाद सब्सक्राइब करने का। तो ये सारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे पहले मेरा, मेरे वाला को, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड को करिएगा और प्यार दिए, प्यार दीजिए, ढेर सारा शुभकामना, लव यू। और ये जो मेरा भाग खेसारी भाग सिनेमा है, आज और दो दिन और शूट है, उसके बाद आपको जरूर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा एक नए रूप में। पहली बार आप मुझे भागते हुए देखेंगे और पहली बार दौड़ पे एक सिनेमा बन रही है भोजपुरी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है, मैं कम से कम लगातार 7 दिन भागते रह गया हूँ। और मैंने, मुझे लगता है कि मैंने 1 मिनट में बहुत दूर तक भागा था, बहुत फास्ट भागना पड़ता था, 30-40 की स्पीड में भागना पड़ता था। और पाकिस्तान से भी मेरा मुकाबला हुआ है, सारे देश के जितने भी दौड़ने, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, क्या बोलते हैं उसको, स्विट्जरलैंड, जो भी क्या आप बोल दो ना, ये बोल, स्विट्जरलैंड, हाँ बोल दो, स्विट्जरलैंड, हाँ ये जो बोल रहे हैं ना वही। अच्छा अच्छा, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड का नाम पता है क्या आपको? हाँ, क्या नाम है? निक जोनस। अब सुनो, निक बारे में बस इतना, उनके लिए वो परफेक्ट है, अब हमको काहे के लिए प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड से हमको क्या लेना। कपिल शर्मा शो में कपिल जी बोल नहीं पाया था निक जोनस। अच्छा, वो ना बोल पाए तो वहाँ हमारे कटघरी का होंगे। हम कहानी जब गए रहने उनका, यहाँ जब गए थे हम सोनी पे, तो हम बोले कि सेम टू सेम, जिस तरह आपका स्थिति है कपिल जी, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, सेम टू सेम। कपिल जी तो भाई, बड़े भाई है मेरे, और मैं गया था तो बोला भी था उनको जी, नहीं ठीक है, जो भी है ठीक है, बस ठीक है, और आपके जीवन ठीक ठाक बीते। खेसारी लाल यादव आपके ही प्यार के लिए जीता है, जिस दिन आप प्यार करना बंद कर दीजिएगा उस दिन मैं संन्यास ले लूँगा, समाधि ले लूँगा भैया। समाधि मतलब कि आदमी जीवन चलाएगा, बाबा बन जाऊँगा मैं, रामदेव बन। अरे नहीं, हमको दवाई नहीं बचना है। बस मैं, बस आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि बस आपके, आपके जीवन से किसी को तकलीफ ना हो, आपके बातों से किसी को हट ना हो। और मैंने जितने लोगों के बारे में बोला है, अगर आपको किसी मेरे बातों से हट हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बशर्ते मेरी एक जॉली नेचर है, उसमें मैं बोल कुछ जाता हूँ, लेकिन बस कोशिश करिएगा जी, आपके पास अगर कुछ है क्षमता जी, आप किसी का मदद कर सकते हैं तो उनका मदद करिए, बड़ी खुशी मिलेगी आपको।
क्योंकि वही हैं जो हमारे जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य हैं, हमारी श्रोता, हमारी जान ही नहीं, हमारी ईश्वर है, हमारी देवता है, हमारे लिए गुरुद्वारा है, हमारे लिए मस्जिद भी वही है, हमारे लिए मंदिर भी वही है, हर वो धाम है हमारे लिए हमारी श्रोता। तो उन श्रोता को कोई तकलीफ नहीं हो, बस ईश्वर से ही प्रार्थना है। और आप सबसे अपील है कि आप उनका, अगर वो गरीबी में है, अगर वो कष्ट में है, तो उनका जरूर मदद करिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा भारत, जय महारू, हर हर महादेव। सावन की स्थिति में हर आदमी खुश रहे। और आप बाबा धाम जाइए, लहसुन प्याज मत खाइए, अभी एक महीना तक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बिहार में गरीब। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।